स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के मन में ये तो जरूर होगा कि हम कितने क्वेश्चन करके आए कि हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। पिछले बार की कट ऑफ क्या रही थी, उससे पिछले बार की कट ऑफ क्या रही थी, और क्या इस बार भी कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, या हमें और ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, या हो सकता है कम चली जाए कट ऑफ। ठीक है, तो आज इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। क्या रहने वाली है कट ऑफ, और पिछली बार क्या रही थी, कितने नंबर आपको लाने होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो कि आई 7500 से ज्यादा, जिसमें लड़कियों के लिए सीट है 2500 से ज्यादा और लड़कों के लिए 5000 प्लस सीट रहने वाली है। अगर मैं बात करती हूं इसके कट ऑफ के बारे में, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा पैटर्न होता है, पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या पैटर्न है इसका। तो सीबीटी पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर पूछे जाते हैं चार सब्जेक्ट। मैथ्स से आते हैं आपके 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। फिर आती है रीजनिंग, रीजनिंग से आते हैं 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के। फिर आती है कंप्यूटर, कंप्यूटर से आते हैं 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। और सामान्य ज्ञान या समसामयिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। कुल मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। पेपर का टाइम आपको दिया जाता है करने के लिए 90 मिनट समय आपको मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, पता नहीं कौन बोल रहा है नहीं होती, भैया नेगेटिव मार्किंग है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो इसमें 0.25 नंबर कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है पेपर। ठीक है, मैरिट पूरी इसी पर डिपेंड होती है, क्योंकि जो आपकी फिजिकल होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस, केवल क्वालिफाई नेचर की होती है। आपका जो पूरा मेरिट है वो इसी नंबर पे डिपेंड है, इसलिए ये तो सोच ही नहीं सकते कि कम नंबर पे भी चल जाएगा। नहीं भैया, नंबर यहीं पर लाने पड़ेंगे आपको। आगे चलो, फिर हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो अगर मैं 2016 की कट ऑफ की बात, कट ऑफ गई थी 66। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करती हूं तो लड़कों की कट ऑफ थी 76 और लड़कियों की कट ऑफ थी 62। एससी के लिए कट ऑफ गई थी लड़कों में 70 और लड़कियों में 56, 56। एसटी के लिए कट ऑफ गई थी पुरुष की, लड़कों की 74, 74 और लड़कियों की 61, 61। इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 2019 में लागू किया गया था, इसलिए इसके अंदर ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि 2016 की कट ऑफ है ये। आगे आ जाओ, अब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो कट ऑफ आई थी। ठीक है, जिसका पेपर भी नवंबर दिसंबर में ही चला था। अगर मैं 2020 की कट ऑफ की बात करती हूं तो इसमें जर्नल ओबीसी में लड़कों की कट ऑफ गई थी 68.39 और लड़कियों की कट ऑफ थी 53, 53.4। एससी में कट ऑफ गई थी लड़कों की 57.0, लड़कियों की 49.3। एसटी में कट ऑफ गई थी लड़कों की 65.1 और लड़कियों की 45.5। अगर हम बात करते हैं 2020 के में, तो यहां पर देख लीजिएगा कि तब पद कितने थे, पद थे 5846, 5846। फॉर्म भरने वालों की संख्या लगभग 28 लाख थी। परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या थी 14 लाख, मतलब आधे ही बच्चे पेपर देने के लिए गए थे। अच्छा, इतना वेरिएशन क्यों आया मैम कट ऑफ में? जब पेपर थोड़ा आसान होता है, कट ऑफ बहुत जाती है। आपने एसएससी एमटीएस की कट ऑफ देखी होगी, उसकी 80 में 90-92 कट ऑफ जाती है। जब पेपर थोड़ा आसान होता है, पहले की बात कर रही हूं, तब आपकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है, और जब पेपर थोड़ा बढ़िया होता है तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आ जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई फिर मैम हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार हम कैसे तैयारी करें, क्या कट ऑफ इससे भी कम हो जाएगी? नहीं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप ये मान के चलो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सभी बच्चे बैठेंगे,
वो भी बच्चे होंगे जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएचएल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बच्चे होंगे जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ता है, ठीक है। पेपर अच्छे लेवल का आएगा, ये बिल्कुल मत सोचना कि पेपर ऐसा आएगा कि बस धुआं उड़ा देंगे। पेपर अच्छे लेवल का आएगा, पढ़ाई बढ़िया से करोगे तो बिल्कुल धुआं उड़ेगा। आपको इसके लिए हर एक पोर्शन पे कवर करना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूं रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग कहते हैं बहुत नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल है। 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें 25 नंबर के, ठीक है, तो ध्यान रखकर चलिएगा 25 में से कम भी आप 22 से 23 क्वेश्चन तो करके आएंगे। और ये हो सकते हैं टाइम के ही अकॉर्डिंग, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको और एक्यूरेट हो। नेगेटिव मार्किंग से बचिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से 1.5 नंबर से बच्चे रह जाते हैं। अब मैं बात कर लेती हूं मैथ्स की, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका कंप्यूटर। मैथ्स के अंदर आते हैं आपके 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 15 में से कोशिश करो कम से कम भी, जिसकी अच्छी मैथ्स है वो तो अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना, 7 से 8 तो करके आओ, ठीक है। मैक्सिमम तो 10 टारगेट रखो, बस मैंने 7 से 8 एक नॉर्मल जनरली नंबर रख दिया है। फिर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आते हैं 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 के पेपर में 10 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन केवल एमएस ऑफिस से पूछे गए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आपको अब पता नहीं क्या पूछे, तो हमें तो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा टोटल डिटेल से। कंप्यूटर में 10 में से 8 नंबर आप पक्के करके आना। मैं 8 क्यों लिख रही हूं, 10 में से 10 क्यों नहीं लिख रही भाई, वेरिएशन सब में दे रखी है ना मैंने, 2-2, 3-3। मैथ्स में थोड़ी ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोगों को बहुत डर लगता है मैथ्स से। कोशिश करो, भी टाइम है, 14 नवंबर में पेपर है, तैयार कर लोगे तो हो सकता है 15 में से 10 से 12 मैथ्स में भी करके आ जाओ। कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन वो ऊपर नीचे दे दे, ठीक है, दे दिया कोडिंग उसने, हालांकि कोडिंग दे नहीं रखा सिलेबस में। आप लेकर चलो कि 8 क्वेश्चन करके आने, 7 से 8 क्वेश्चन मुझे कंप्यूटर में भी करके आने। कुछ 1-2 क्वेश्चन शॉर्टकट की से आते हैं और कुछ फुल फॉर्म से आते हैं। फिर मैं बात करती हूँ जीके की, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की। सारी बात यहां पर आकर फंस जाती है कि मैम 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं, ये कैसे होगा। अब इन 50 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप बोलोगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी एक सेशन ले लूंगी कि इन 50 में से कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, कितने ज्योग्राफी से आते हैं, कितने करंट अफेयर से आते हैं, कितने स्टैटिक जीके से आते हैं, कितने साइंस से आते हैं, कितने साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। जीके पूरा ब्रह्मांड है। स्टैटिक जीके के आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, तो स्टैटिक जीके तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को कवर कर लेनी है। हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी संविधान बहुत पूछता है। तो ये जो कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट है उनको समझो। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन लो, हालांकि स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स आ ही जाएगा, जो खेल हुए, कहां हुए, जो अभी मीटिंग हो रही है, G20 सम्मेलन है, कहां किया, किसने मेजबान किया, कौन से शहर में किया गया, तो ये सारी चीजें जो आपको यहां पर पढ़नी पड़ेंगी और तब जाकर ये कवर होगी। एक दिन का खेल नहीं है, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये मान के चलो कि 50 में कम आप 35 प्लस करके आओ। अब मैं तो टारगेट दूंगी कि भाई इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छा ही स्कोर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर चलो अगर हम यहां पर लेकर चलते हैं तो लगभग इस बार आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी, ये सबका अपना अपना हो सकता है, किसी का जीके बहुत स्ट्रांग है, किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो 15 में से 15 भी करके आ जाएगा, रीजनिंग 25 में से 25 भी करके आ जाएगा, कंप्यूटर 10 में से 10 भी करके आ जाएगा, जीके जीएस में थोड़ा मुश्किल होता है 50 में से 50 कर पाना। अपनी टारगेट इस बार रखनी है 75 प्लस, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सबको कहूंगी, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, आपको अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा पिछली बार तो 72 आएगी, मैं 73 लेकर आ जाऊंगा, हो जाएगा काम, काम नहीं चलने वाला, हो सकता है इसके ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। मेरिट आपकी या कट ऑफ तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक पेपर नहीं हो जाता। मैंने केवल ये टेंटेटिव बताई है पिछले आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, ऊपर नीचे जा सकती है, एग्जाम होने के बाद देखने पर पता चलेगा। तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि भाई मैं 75 अगर क्वेश्चन करके आऊं, वो भी एक्यूरेट, बिल्कुल सही, मतलब 25 मुझे छोड़ के आने पड़ेंगे। अब 25 मैं छोड़कर आ रहा हूं, अब वो देखो, वो जो छोड़कर आओगे आप, ये वही होंगे जो रेंडमली कहीं से भी आ गए, क्योंकि सिलेबस तो आप 360 डिग्री पढ़ के आओगे ना, सिलेबस तो आपको 360 डिग्री पढ़ना है। ये 25 वही क्वेश्चन होंगे जो रेंडमली कहीं से भी आ गए, आपके दिमाग में नहीं आ रहे उस टाइम पर,
टारगेट अपना हमेशा हाई लेकर चलेंगे। मैरिट अगर कम गई बल्ले बल्ले है, ज्यादा गई तो भी बल्ले बल्ले होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता देती हूं, एग्जाम तो इसका 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए एग्जाम को लेकर आया है एप्लीकेशन पर बैच। यूट्यूब पर फ्री में आपकी क्लासेस चल रही है प्रैक्टिस की, आप लोगों को एप्लीकेशन पे थ्योरेटिकली पढ़ाया जा रहा है। कई बार होता है कि हम तैयारी तो करते हैं, हमें पता नहीं होता कि भाई जनरल नॉलेज 50 नंबर का है, कहां से पढ़ें, हिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ूं, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ूं। तो आपको इस बैच में जीके के, जीके हो गया मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, सभी के क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। जीके में भी अलग अलग सेक्शन हो गया, पॉलिटी के अलग टीचर है, इकोनॉमिक्स के अलग है, ज्योग्राफी के अलग है, ताकि वो सभी आपको पिछले पेपर जो हुए हैं उन सभी का कंक्लूजन निकालकर, और जो भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का पेपर हुआ उसका कंक्लूजन निकालकर चीजों को छांट कर पढ़ा सके। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच का नाम है मंजिल। इस बैच पर अभी ऑफर मिल रहा है, मतलब इस बैच पर अभी ऑफ है, डिस्काउंट है। 20 से 23 जुलाई के बीच में अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं तो 749 का ये बैच आपको मिलने वाला है। मैं तो कहूंगी अगर आप बैच परचेज कर रहे हो तो जल्दी ही करना, 23 तारीख का वेट मत करना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कुछ क्लासेस हो चुकी है, बाकी की क्लासेस बिल्कुल लाइव मिलेंगी आपको। इसमें आपको क्लासेस मिल रही है लाइव, पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, सारी चीजें मिलेंगी। आपको कोड लगाना है खरीदते समय DPC6060। बैच कहां से मिलेगा, तो बैच आपको नीचे दिए गए नंबर से मिल जाएगा। एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप बैच को परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी कोई भी होती है आप नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देना। फिर मैं बात करती हूँ कि मैम ठीक है बैच ले लेंगे और बुक अगर परचेज करनी हो, किसी को अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट नोट्स चाहिए, नोट्स हिंदी मीडियम में है, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, जो नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी मीडियम के होंगे। तो किसी को अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नोट्स चाहिए तो आपको ये नोट्स मिलेंगे 1499 में। आपको लगाना है कोड DP5050। नोट्स, बैच, दोनों चीज आप या तो कॉल करके हमें संपर्क करके परचेज कर सकते हैं, या एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल, मैंने आपको पूरा बता दिया कट ऑफ क्या थी, आगे क्या रहने वाली है। अब इसमें कई बच्चों का होगा कि मैडम 75 ओहो इतनी चली जाएगी, तो किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि अभी जो पीछे कट ऑफ गई है SSC GD की, ओहो इतनी चली जाएगी, है ना। तो कट ऑफ कितनी भी जा सकती है वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम से, ये केवल टेंटेटिव है, हमें अपना 100% करके चलना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई होना है तो, क्योंकि कंपटीशन सच में बहुत है, हर साल लाखों बच्चे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो तो इस सेशन को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ेंगे। अभी अपने पास टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पेपर होगा, हमारे पास 3 महीने हैं पूरे पूरे। अगर 3 महीने में आप जान लगा के पढ़ लोगे, 360 डिग्री चीजों को कवर कर लोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से। मिलते हैं बच्चे अपने अपने क्लासेस में। एप्लीकेशन की क्लासेस आपकी शुरू हो जाती है सुबह 7 बजे कंप्यूटर की क्लास से, जो मैं ले रही हूं, और यूट्यूब की क्लासेस शुरू हो जाती है आपकी, ये भी क्लासेस जो शुरू होती है दिल्ली पुलिस की सुबह 8 बजे से होती है, जो विपुल सर की क्लास होती है मैथ्स की, ठीक है। यूट्यूब पे प्रैक्टिस चल रही है और एप्लीकेशन पे आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जा रही है। मिलते हैं बच्चे अपने सेशन में। आप लोगों को क्या चाह रहे हो, और कितने बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, और कितने हैं जिन्होंने पिछले बार भी एग्जाम में अप्लाई किया था, जरूर कमेंट करके लिखिएगा। मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।